सब्सक्राइब कीजिए डिटेक्ट चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कैसे आप लोग अपने मोबाइल पे स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ रेडमी नोट 5 में, बट ये आप लोग रेडमी नोट 5 प्रो में भी यूज़ कर सकते हो, रेडमी 5 पे भी यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको व्हाट्सएप और एक एप्लीकेशन दोनों एक साथ चलाना चाहिए तो पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा, उसके बाद मिनिमाइज करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन लॉन्चर पे आके आपके जो एप्लीकेशन है उसे जस्ट क्लिक करके ऊपर उठाना होगा, तो ये एक टैब हो जाएगा जो ऊपर में आपका जो व्हाट्सएप चलेगा, और सेकंड वाला जो एप्लीकेशन चाहिए तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड वाला आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया। तो आप वहाँ पे पहले वाला भी यूज कर सकते हो एंड सेकेंड वाला भी यूज कर सकते हो पैरेलली, तो ऐसी आप एक स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सेकेंड टैब में क्रोम को रखना चाहते हो तो क्रोम पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रोम ओपन हो जाएगा सेकेंड टैब में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्रोम का होम पेज है। तो यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेसबुक ओपन हो गया, तो ऊपर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों एप्लीकेशन पैरेलली स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ से मिडिल पे जो डिवाइडर है उसे छोटा बड़ा करके आप जिस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। इस वीडियो में बस इतना सही। अगर आपको इस तरह की बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए।